जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों आज है 3 अक्टूबर और आज है नवरात्रि का पहला दिन और अभी हमारी समिति श्री राधा कृष्ण दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा माता जी का पूजा किया जा रहा है और अभी मैं पंडाल के थोड़ा दूर में हूँ क्योंकि पूजा भी स्टार्ट हो चुका है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था माइक से कनेक्टेड है तो अभी मैं पंडाल के जस्ट थोड़ा आगे में हूँ। और आज से दोस्तों बिलासपुर में जितना भी पंडाल बना हुआ है 9 दिन वाला, तो आज से सभी पंडालों का वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग अपनी समिति में अभी पूजा कर रहे हैं तो अपनी समिति का वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए पूजा में सम्मिलित करता हूं। तो दोस्तों सामने हमारी मंदिर है और हमारा पंडाल मंदिर में ही बनता है हर साल, तो देख सकते हैं यहाँ पर झालर को हम लोग इस तरह सजाए हुए हैं बीच में और इधर घरों में, और बाकी यहाँ पर हमारा पंडाल है। तो अभी पूजा स्टार्ट है तो पूजा जैसे ही आरती होगा तो आरती में भी आपको सम्मिलित करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो अभी देख सकते हैं अंदर पूजा किया जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस पंडाल को बनाए हुए हैं और अंदर माता जी है, मंदिर अंदर हम लोग माता को हर साल बैठालते हैं। बाकी अभी पूजा चल रहा है देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग झालर को देख सकते हैं घरों में लगाए हुए थे और अभी हमारी समिति का पूजा समाप्त हो चुका है तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर। और ये था हमारा पंडाल देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है दूर से थोड़ा। तो आगे एक और पंडाल है, भाई लोग का ही पंडाल है, मतलब भाई लोग का ही समिति है, उन लोग भी हर साल माता जी का पूजा करते हैं। तो आगे चलते हैं और भाई लोग का भी पंडाल दिखाते हैं और माता का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों यह भाई लोग की समिति, मतलब अपना ही समिति है और देख सकते हैं अभी पूजा किया जा रहा है समिति के द्वारा। इधर भाई लोग बैठे हुए हैं, बाकी भाई लोग का पंडाल देख सकते हैं और माता जी सामने विराजमान है और अभी पूजा होगा, उसके बाद माता जी का चेहरा जो ढका है उसको निकालेंगे फिर।
तो अभी पूजा स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। और बाकी बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाए हैं भाई लोग भी, और लाइटिंग को इस प्रकार किए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ भी तो अभी पूजा स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, यह था हमारे भाई लोग का ही समिति का पंडाल, और भाई लोग भी बहुत साल से माता रानी का पूजा करते आ रहे हैं। तो भाई लोग का जो पंडाल है और माता रानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी भाई लोग का पंडाल बहुत ही खूबसूरत है, पिछले साल भी बहुत ही खूबसूरत भव्य और पंडाल बनाए थे, और इस साल भी जो भाई लोग का पंडाल है बहुत ही खूबसूरत है, और लाइटिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से किए हुए हैं। जैसे पेड़ में देख सकते हैं पीछे झालर को लगाए हुए हैं और पीछे पंडाल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको हमारी समिति और आगे भाई लोग की समिति का पंडाल दिखाया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और बाकी बिलासपुर में जितने भी पंडाल हैं सभी पंडालों को कवर करते हुए चलेंगे एक एक करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।